नमस्ते। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में दो लोग थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, एक दो बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की, और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने अपने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया, मैंने थोड़ा डक किया, और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मैं मेरे 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 खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सेलेरेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहां से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार, उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे मगर कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुँचा, जल्दी से मैं घर पहुँचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुँचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला, तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए, आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता, मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं। और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता, और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है,
वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक। मगर फिर भी कहूंगा, सोनिया गांधी थोड़ा सोच लीजिए, आप भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है, आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा, ये हजारों बार मुझ पर अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।